सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोगों के विंटर्स, बहुत ही ठंडी वाली विंटर्स चल रही है क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। एंड आज मैं वापस से एक विंटर हॉल करने वाली हूँ, एक अमेजोन विंटर हॉल। एंड आप देख ही सकते हो मुझे कितनी ठंडी लग रही है क्योंकि मैंने एक स्वेटर के ऊपर एक क्रिसमस अप्रोप्रिएट जैकेट अभी तक पहना हुआ है वैसे तो। हाँ, आप लोगों के लिए मैं आज कुछ 3 स्वेटशर्ट्स लेके आई हूँ जो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत क्यूट है दिखने में। तीन है, अलग अलग कलर्स है एंड बहुत अच्छे है, तो आपके साथ ही अनबॉक्स करती हूँ। ये फर्स्ट मैंने अभी खोल लिया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड शो यू गाइज द स्वेटशर्ट्स। फर्स्ट स्वेटशर्ट ब्लैक कलर में है, बहुत क्यूट है एंड दिस इज द स्वेटशर्ट, ये देखिए, सो क्यूट। इसके ऊपर कुछ तो चाइनीज में कुछ तो लिखा हुआ है एंड ये बिल्कुल कार्टूनी वाला एक डायनासोर बना हुआ है ग्रीन कलर का, बहुत क्यूट सा। यहाँ पे एक बोन है एंड एवरीथिंग लुक्स सो क्यूट, कार्टूनी। मैंने साइज मंगवाया है M क्योंकि हम नॉर्मली विंटर्स में अगर कुछ पहनते भी हैं तो उसके अंदर कुछ एक लेयरिंग के साथ पहनते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि एक साइज अप ही लो तो बेटर है। एंड एक और चीज इसमें बहुत अच्छी क्या है, ये पूरा अंदर से फ्लीस है इसमें, और फ्लीस वाली चीजें इतनी गर्म होती है ना, वो तो मैं गारंटी ले रही हूँ क्योंकि मैंने एक अमेजोन से ही एक पिंक कलर का फ्लीस वाला एक स्वेटशर्ट मंगवाया था, वो इतना वॉर्म है, मतलब आई कैन टेल यू। आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स, प्रीवियस हॉल में जाकर के चेक कर सकते हो। पिंक कलर की मैंने एक हुडी मंगवाई थी फ्लीस वाली, बहुत वॉर्म है, मतलब उसके अंदर अगर आप एक वार्मर या कुछ पहन के वो पहन लोगे ना, एकदम परफेक्ट है, उससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। बट ये भी सेम मुझे ये बेस्ट लग रहा है कि इसके अंदर पूरा फ्लीस है, सो बहुत वार्म होने वाला है, मोटा मोटा सा फील हो रहा है मुझे ये। बाकी तो बेसिक है, ब्लैक कलर का है, स्लीव्स हैं प्रॉपर, नीचे भी यहाँ पे भी एंड में आने के बाद भी इलास्टिक्स है एंड यहाँ पे भी इसके इलास्टिक्स है। सो दिस इज द फर्स्ट स्वेटशर्ट, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक इट आउट। अब मूव करते हैं सेकेंड पे, तो सेकेंड एंड थर्ड अभी तक पैक्ड ही है, पहले इनको खोलते हैं। सो ये हैं बाकी दो, पहले ग्रे वाला खोलते हैं। मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट या क्या पता नहीं क्यों बहुत सारे विंटर के ग्रे कपड़े हैं मेरे पास, आई डोंट नो क्यों मुझे ग्रे ही पसंद आते हैं। सो लेट्स ओपन दिस वन। सो ये ना एक हुडी स्टाइल का है स्वेटशर्ट एंड ये थोड़ा सा क्रॉप स्टाइल में है इतना सा, बट ये बहुत भी क्रॉप नहीं है, आप पहन सकते हो, इट्स नॉट बहुत क्रॉप, इतना है कि आप जीन्स पहनोगे तो जीन्स के ऊपर ऊपर तक आएगा। एंड इसमें हुडी है, वो की बहुत अच्छी बात है, आप आराम से इस हुडी कैप लगा के रहो। प्लस इसके स्लीव्स में यहाँ पे व्हाइट कलर का पूरा एक लाइन टाइप का है ऊपर से एंड बेसिक, इसमें कुछ आगे में कुछ भी बना हुआ नहीं है ना ही कुछ पीछे में बना हुआ है, इट्स प्लेन बेसिक ग्रे स्वेटशर्ट। एंड इसके अंदर भी फ्लीस है बट बहुत लाइट सी फ्लीस है, तो जो पहला वाला था ना वो काफी मोटा फ्लीस वाला लग रहा था, ये काफी लाइट सा है, बट स्टिल ये हल्के विंटर्स में अगर बस आप इसको पहनना चाहो तो अच्छा होगा, या अगर आप लेयर करके पहन लोगे तो हमेशा ही बेस्ट रहता है। इसका साइज मैंने मंगवाया है साइज S एंड दिस इज फ्रॉम द कंपनी फैब्रिकॉन एंड ये है साइज S में, और इन ये सारे के सारे ना बहुत अफोर्डेबल हैं, तो अगर आपको प्राइजेस का लग रहा है कि ज्यादा है, नहीं बहुत अफोर्डेबल है, लगभग 500 के आसपास के ही सारे होंगे, तो आप इनको जरूर चेक करना। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। द हुडी के साथ वाला वो, बट मुझे एक चीज लगा, अगर ये सेम, ये ब्लैक नहीं होके सेम कलर का भी होता ना तो मुझे ज्यादा बेटर लगता, पता नहीं मुझे ब्लैक का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्टिल यू कैन चेंज इट, क्योंकि ये तो ऐसे निकल जाएगा और आप चेंज करके दूसरा भी लगा सकते हो, मैं दूसरा ही लगा लूंगी एंड देन आई विल वेयर इट। सो दिस इज द सेकेंड वन, लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड वन। And this is also a black sweatshirt and this is from the company Liva. अब Liva आप लोगों ने बहुत ज्यादा वो leggings and all के लिए सुना होगा, but this is from Liva और ये भी एक crop sweatshirt है, crop, थोड़ा सा इसमें
वो है, बट प्रॉपर क्रॉप नहीं है, वही सेम जैसे मैंने बोला आपके जीन्स के हाइट तक आएगा, जहां तक जीन्स एंड होती है वहां तक आ जाएगा। और ये ब्लैक है, दिस इज साइज एस, अगेन एस मैंने मंगवाया है इसको, प्रॉपर ब्लैक है पूरा का पूरा आगे पीछे, बट इसकी स्लीव्स पे एक बहुत ही ऐसे लंबा सा लिख रखा है डू इट फॉर यू, पूरे टाइम ये लिखा हुआ है डू इट फॉर यू, डू इट फॉर यू, डू इट फॉर यू, डू इट फॉर यू। सो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इंसर्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक अलग सा एजी सा लुक देता है, बाकी इसमें पूरा प्लेन है, सो इसके वजह से ही। एंड प्लस यहाँ पे इसके स्लीव्स पे बस एक पिंक बैंड है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, इट्स प्लेन एंड ब्लैक राइस। सो ब्लैक तो एक ऐसी ऐसा कलर है जो कि कभी आउट हो ही नहीं सकता है इस सीजन में, ब्लैक एंड व्हाइट ऑलवेज इन। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा ब्लैक ही, ब्लैक बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है, हर आप इंडियन पहन लो वेस्टर्न पहन लो तो ब्लैक एक हमेशा सबका फेवरेट होता है। सो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दिस इज फ्रॉम द कंपनी आई टोल्ड यू लीवा, एंड यू गाइज कैन गो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या दिस इज द थर्ड वन, आई होप आप लोगों को तीनों अच्छे लगे होंगे, इनके प्राइजेस के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो या गो एंड चेक आउट फ्रॉम Amazon, Amazon पे बहुत सारी अमेजिंग सेल्स चलती रहती हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो लिंक से। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू गाइज इन अ व्लॉग वेरी सून, सो नेक्स्ट आने वाला है व्लॉग, जरूर देखना, एंड लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट, बाई।